हेलो स्टूडेंट, मौर्य कपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बी ए सेकेंड ईयर का एक टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है मेमोरी वेरिएबल। ये बताऊंगा आपका फॉक्सप्रो के अंदर, आपका इसमें आपका फॉक्सप्रो के अंदर है कि फॉक्सप्रो में मेमोरी वेरिएबल क्या होता है। वैसे आप मेमोरी वेरिएबल के बारे में जो आप सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं कि मेमोरी वेरिएबल क्या होता है, तो मैं आपको फॉक्सप्रो में भी काम वही है, मेमोरी वेरिएबल वही होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि फॉक्सप्रो में मेमोरी वेरिएबल क्या होता है। मेमोरी वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करने के काम में आता है, और ये क्या करता है, जब स्टोर होता है तो मेमोरी में अपने लिए एक निश्चित जगह लेता है, तो उसको कहा जाता है मेमोरी वेरिएबल। वेरिएबल एक क्या होता है कि यूजर द्वारा दिया गया एक आइडेंटिफायर होता है, यानी एक ऐसा नाम होता है जो जिससे यूजर उसको क्या करे, आइडेंटिफाई कर सके। और ये क्या करता है कि मेमोरी वेरिएबल किसी तार्किक जैसे बहुत लॉजिकल या अर्थमेटिक क्रियाओं में क्या होता है, सहायक होता है, मतलब इनको करने में ही इसका उपयोग किया जाता है। इसका मान क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, ये इसका मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है, उसको क्या बोलता है, मेमोरी वेरिएबल बोलते हैं, या बोल सकते हो वेरिएबल कहते हैं। फॉक्सप्रो में भी क्या है कि बाकी सभी भाषा की तरह कि मेमोरी वेरिएबल को या वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय हमेशा कुछ रूल्स होते हैं जिसके द्वारा जिसको फॉलो किया जाता है। जैसे कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा अल्फाबेट से होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट से होनी चाहिए, चाहे वो क्या हो, आपका कैपिटल हो से कैपिटल जेड के बीच में कोई अल्फाबेट हो, या स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में अल्फाबेट हो सकता है। इसके साथ में आप नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी जैसे मान लीजिए मैं देता हूँ A1, तो पहला तो कैरेक्टर आपका क्या है, A है, और बाद में आप वही 1 दे सकते हो, बाद में आप 1 दे सकते हो। फॉक्सप्रो के अंदर आप वेरिएबल की शुरुआत का नाम, यानी उसके नाम की शुरुआत आप अंडरस्कोर से भी कर सकते हो। जैसे मैंने अंडरस्कोर ट्रॉट लिख दिया तो क्या हो गया, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। या आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए के बीच में आप अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हो, जैसे मान लीजिए रोल नंबर रोल अंडरस्कोर नंबर, तो आप इस प्रकार से भी उसको डिक्लेयर कर सकते हो। ये तो इसके नाम की बात होगी। आप फॉक्सप्रो के अंदर अधिकतम 254 कैरेक्टर तक का कोई भी नाम आप इसमें वेरिएबल के लिए स्टोर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि वेरिएबल को आप डिक्लेयर करेंगे तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, मतलब आप फॉक्सप्रो के अंदर वेरिएबल को किस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे। फॉक्सप्रो के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं, एक तो है आपका स्टोर कमांड के द्वारा, इसके द्वारा स्टोर कमांड के द्वारा, और जो दूसरा तरीका है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा, यानी आप बराबर चिन्ह के द्वारा भी आप वेरिएबल को क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। अपन दो तरीके देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं स्टोर से, स्टोर से कैसा होगा, उस तरीके का लिखा जाएगा, सिंटैक्स क्या होगा आपका, पहले होगा आपका स्टोर, यानी आपने सबसे पहले स्टोर लिख दिया, फिर वैल्यू, फिर आपका क्या हो जाएगा आपका टू आपका कीवर्ड है, फिर वेरिएबल नेम, मतलब सबसे पहले आपका स्टोर कमांड आएगी, फिर आप उस वेरिएबल में क्या वैल्यू दे जाते हैं वो आ जाएगा, टू वेरिएबल का नाम, जैसे मान लीजिए स्टोर 10 2x, मतलब क्या हुआ कि आपका x नाम के वेरिएबल में आपने 10 वैल्यू असाइन कर रखी है, मतलब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो मेमोरी वेरिएबल डिक्लेयर किया इसका नाम क्या है, x है, और उसमें क्या है, 10 वैल्यू असाइन की हुई है। आप ये कर सकते हो स्टोर क्या नाम है आपका, जैसे बीकानेर टू सिटी, मतलब आपने सिटी नाम के एक कैरेक्टर प्रकार के वेरिएबल में आपने बीकानेर है आपने जो एक कैरेक्टर आपने उसको स्टोर कर रखा है, आप ये भी कर सकते हो
स्टोर 2021 5/11 जैसे आज की तारीख है, इसको मैं स्टोर कर सकता हूँ डीटी नाम के वेरिएबल में। मतलब मैंने डेट स्टोर की कहा एक डीटी नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिए। तो मेमोरी वेरिएबल क्या होता है कि आप चाहे कैरेक्टर हो, चाहे डेट हो, चाहे इंटीजर हो, इन प्रकार के वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं स्टोर कीवर्ड के द्वारा। ये तो स्टोर कीवर्ड के द्वारा हो गया। अब आपने क्या करेंगे कि बराबर चिन्ह के द्वारा आप किस प्रकार से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या बोल सकते हो कि क्या नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा आप किस प्रकार से वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं या वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अपन लिखेंगे या अपने अपने ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर 10। मतलब क्या है कि ए नाप का वेरिएबल, इसमें क्या है 10 वैल्यू आपकी क्या हो चुकी है स्टोर हो चुकी है। मैं ये कह सकता हूं सिटी बराबर 10। मतलब क्या हुआ कि सिटी नाम के वेरिएबल में आपने एक क्या है अजमेर नाम का कैरेक्टर या सॉरी स्ट्रिंग आपने स्टोर कर रखी है। तो ये तो बात होगी अपने वेरिएबल को स्टोर करने के तरीके की। अब क्या है, अब बात करते हैं कि आप जब किसी वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज करेंगे तो आप उसको किस प्रकार से काम में लेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि आप किसी वेरिएबल को किसी टेबल के अंदर या किसी टेबल के फील्ड के मान को स्टोर करने के लिए या किसी प्रोग्रामिंग के लिए भी आप मेमोरी वेरिएबल का प्रयोग कर सकते हो। आप चाहो तो किसी टेबल बनी हुई है किसी टेबल के रिकॉर्ड के मान को स्टोर करने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप प्रोग्राम में एक सिंपल वेरिएबल के जरिए आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने क्या करता हूं, मैं लिखता हूं यूज स्टूडेंट के लिए क्या लिख दिया STUD। भले भले व्यापी क्या बनी हुई है प्रोग्राम बना हुआ है सॉरी टेबल बनी हुई है। अब मैं क्या करता हूं उसमें मैं जाता हूं एक पर्टिकुलर कॉलम पर जाता हूं, मैं लिखता मैंने लिख दिया Go to 4। मतलब स्टूडेंट नाम की टेबल है उसके अंदर मैं 4 नंबर की टेबल सॉरी रिकॉर्ड पे गया। अब मैं क्या कहूंगा, मैंने इस पे क्या लिख दिया NM। NM आपका क्या है वेरिएबल है, उसमें मैं क्या स्टोर कर देता हूं नेम। फिर मैं कह देता हूं रोल, इसमें मैं आपका एस रोल, मतलब मैं क्या मैंने क्या जैसे आपने किया ना ए बराबर 10, तो ए तो आपका क्या था ए आपका था वेरिएबल का नाम, उसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी ये स्टोर होगी। रोल आपका क्या है वेरिएबल का नाम है मेमोरी वेरिएबल का नाम है, उसमें आप क्या वैल्यू स्टोर करोगे ये चीज आ गया। आप चाहो तो उसको इस प्रकार से NM या आप क्या नाम है रोल आप इसके वैल्यू को देख सकते हो कि इस फील्ड के अंदर या इस टेबल के अंदर इस कॉलम क्या नाम फील्ड के अंदर आपने क्या क्या वैल्यू आपने स्टोर कर की है उसके मान को आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप किसी क्या नाम है मेमोरी वेरिएबल को स्टोर करते हो तो उसके लिए क्या बनती है, उसको आपको सेव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उसको सेव। तो सेव किस प्रकार से किया जाता है मेमोरी वेरिएबल को, सबसे पहले आप लिखोगे वेरिएबल नेम, क्या नाम है आप लिखोगे सॉरी वेरिएबल नेम नहीं आप क्या लिखोगे सेव टू, क्या लिखोगे सेव टू। फिर फाइल नेम, आपकी फाइल नेम क्या है वो आप दोगे सेव टू, आपका कीवर्ड हो गया या कमांड हो गई। फिर फाइल नेम जैसे मान लो लिख दिया मैंने सेव टू, मैंने लिख दिया मान लो Student 1, ये आपका क्या हो गया फाइल नेम हो गया। तो मतलब स्टूडेंट नाम की Student 1 नाम की आपकी क्या बनी है फाइल बनी है, उसमें आपके ये मेमोरी वेरिएबल क्या हो गए जाके सेव हो गए। जब ये मेमोरी वेरिएबल सेव होते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है .mem, क्या होता है .mem होता है। मतलब इस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा .mem होगा जब ये फाइल सेव होगी, कौन सी मेमोरी वेरिएबल की, मतलब
डॉट एमवीएम का मतलब क्या है, आपकी मेमोरी, ये क्या है आपकी मेमोरी वेरिएबल, आपकी क्या होगी यहाँ पर सेव होगा। और आप चाहो तो उसको जब आप इन फ्यूचर या कभी भी आप देना चाहते हो कि मेरे मेमोरी वेरिएबल में क्या मान स्टोर कर रखा था, आप उसको देना चाहते हो तो आप उसके क्या करोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, री स्टोर कमांड यूज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, री स्टोर, आप लिखोगे री स्टोर, फिर फ्रॉम कीवर्ड आपका करेगा, आपने फ्रॉम कीवर्ड, फिर कौन सी फाइल थी आपकी, जैसे आपने कौन सी फाइल थी स्टूडेंट वन, तो आप लिखोगे स्टूडेंट वन, तो क्या होगा, फिर आप देख सकते हो उसमें क्या क्या अवेलेबल था आपका, जैसे आपने कहा था एन एम और रोल, तो आपको जो भी वैल्यू इसमें होगी आपको वो इसमें दिखा देगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि मेमोरी वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो आप किसी फील्ड के मान को स्टोर करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो, आप उसको किसी प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर किसी लोकल वेरिएबल के अंदर भी आप उसको काम में ले सकते हो। ये जब मेमोरी वेरिएबल जब सेव होता है तो अपनी एक अलग फाइल क्रिएट करता है जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एमईएम होता है। क्या होता है, डॉट एमईएम होता है। आप मेमोरी वेरिएबल को किसी क्या नाम है इन फ्यूचर में भी आप उसको यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर कमांड का प्रयोग करके आप उसको यूज में कर सकते हो, रीस्टोर फ्रॉम फिर फाइल का नाम कि आपने किस फाइल में उसको स्टोर किया है, और आप उसका प्रिंट करके आप उसको देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको मेमोरी वेरिएबल के बारे में बताया कि मेमोरी वेरिएबल क्या होता है विजुअल फॉक्स प्रो के अंदर, या आप बोल सकते हो फॉक्स प्रो के अंदर मेमोरी वेरिएबल क्या होता है। इस वीडियो के अंदर किसी प्रकार की कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।